इंजीनियर सुखविंदर सिंह उप मुख इंजीनियर टू डायरेक्टर प्रबंधकी ने दसिया कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों अनुसार PSPCL के सेवामुक्त होने वाले कर्मचारियों उन्होंने सेवामुक्त होने से पेंशनरी लाभ समय सिर देने यतन किए जा रहे हैं। इसलिए पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड वालों 1 जुलाई 2022 तो 30 जून 2023 तक लगभग 2550 कर्मचारियों उन्होंने सेवामुक्ति के समय सिर पेंशनरी लाभ देने वक्ख-वक्ख जोनों में मीटिंगों में कर्मचारियों के पेंशन केसों के निपटारे मीटिंग आरंभिया जा रही ने ताजो पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी कारपोरेशन तो सेवानिवृत्त होने से उसके पेंशनरी लाभ अदायगी समय सिर की जा सके। इस लड़ी में 5 सितंबर यानी कि अज मुख इंजीनियर वंड केंद्रीय जोन लुधियाना, 7 सितंबर मुख इंजीनियर वंड दखन जोन पटियाला, 9 सितंबर मुख इंजीनियर वंड बार्डर जोन अमृतसर, 13 सितंबर मुख इंजीनियर वंड पछम जोन बठिंडा, 16 सितंबर मुख इंजीनियर वंड उत्तर जोन जलंधर विखे मीटिंग आयोजित की जा रही। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों तहत एक बहुत बड़ा पेंशन संबंधी उपराला किया जा रहा है, जिस तहत जुलाई महीने के पेंशन संबंधी मीटिंग की गई सी, हुण सितंबर महीने मीटिंग लिखिया गई हैं, जिस तहत पहली मीटिंग 5 सितंबर को 5 सितंबर लुधियाना विखे, 7 पटियाला विखे, 9 अमृतसर विखे, 13 बठिंडा विखे और 15 जलंधर विखे हो रही है, जिस तहत महकमे के अमला अधिकारी कर्मचारी मिलकर पेंशन बेनीफिट देने संबंधी जो भी उन्होंने कागज पत्र है उन्होंने प्रोपर भरया जाए ता कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों उन्होंने रिटायरमेंट वाले दिन वो सारे पेंशनी बेनीफिट और पेंशनर PTO उन्होंने जारी हो सके ता कि उन्होंने रिटायरमेंट तो बाद तनखा जिस तरह मिलती सी उस तरह उन्होंने पेंशन भी मुहैया की जा सके। इस तहत पंजाब सरकार के पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन एक ज्वाइंटली उदम है, जिस